इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कॉन्टेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। विच ट्रेडिशनल डांस फॉर्म रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस पारंपरिक नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, बिहू, गरबा, सत्रिया या फिर डांडिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वट इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 एज चूजन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रिज। आपको जाना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रिज को। रिज एक ऐसी टर्म है जो जनरेशन जेड द्वारा यूज़ की जाती है, और इसका मतलब होता है किसी की एबिलिटी किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने की। जनरेशन जेड मतलब 1997 से 2012 तक की जो जनरेशन है, इसके बीच में जो बोर्न हुए हैं उनको बोलते हैं जेन जी या जनरेशन जी या जनरेशन जेड। अच्छा, मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनेट रहा है, और कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर AI रहा है। वेर इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, December 9। आपको जानना चाहिए हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, और ये तभी से मनाया जाता है जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC जब पास हुआ था 31 अक्टूबर 2003 को, तो उसी के बाद से इसकी शुरुआत हुई। आपको जानना चाहिए 2023 में इस डे का थीम है UNCAC@20, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 9 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, ये भी मनाया जाता है। हु कन्फर्ड द नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन 2023? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन 2023 ये हाल ही में न्यू दिल्ली में जो है आवंटित किए हैं। किस मौके पर? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है इस मौके पर। तो टोटल 30 अवार्ड्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट्स को, जिन्होंने दिव्यांगजन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एड डी कैंप टू मिजोरम गवर्नर डॉक्टर हरी बाबू कम्बमपति? मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरी बाबू कम्बमपति के एड डी कैंप ADC
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मनीषा पादी। देखिए मनीषा पादी जो कि 2015 बैच की इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, इन्हें मिजोरम गवर्नर डॉक्टर हरी बाबू कम्बमपति की एडी कैंप चुना गया है और ये फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर बन गई हैं जिन्हें किसी राज्य के गवर्नर का एडी कैंप चुना गया है। अब ये जो एडी कैंप है इसका मतलब होता है किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर को असिस्ट करने वाला जो आर्म्ड फोर्स ऑफिसर होता है उसे बोलते हैं एडी कैंप। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन रिसर्चर्स डॉक्टर अक्षिता कृष्णामूर्ति, ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन बन गई हैं या फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने मार्स पर स्थित रोवर को ऑपरेट किया है। तो जो परसिवरेंस रोवर है वो मार्स पर है तो उसे ऑपरेट कर रही हैं ये, और फर्स्ट इंडियन सिटीजन भी हैं जिन्होंने किसी सैंपल को कलेक्ट किया है मार्स से अर्थ पर जो लाया गया है। फिलहाल ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड मिशन साइंस फेस लीड कर रही है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा में। विच कंट्री जॉइंटली विद इजिप्ट लॉन्च्ड मिस्र सेट टू सैटेलाइट इनटू स्पेस? किस देश ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से मिस्र सेट टू उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चाइना। आपको जानना चाहिए कि चाइना ने सक्सेसफुली एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि इजिप्ट के साथ मिलकर डेवलप की गई है इसे स्पेस में जो है भेजा है और इसका नाम है मिस्र सेट टू सैटेलाइट। इसे लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से भेजा गया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन विच कंट्री? विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर ने किस देश में अपना परिचालन शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जापान। देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम जापान टोरस 60 सुपर एडवांस्ड है JD60SA, इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है नाका जापान में। आपको बता दें 6-story हाई मशीन है जिसे कि ब्रॉडर अप्रोच एग्रीमेंट के तहत बनाया गया है और ये रिएक्टर एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में। न्यूक्लियर फ्यूजन से आप जो है वाकिफ होंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो लाइट एटॉमिक न्यूक्ली कंबाइन करके एक सिंगल हैवियर जो है न्यूक्ली बनाते हैं और मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज न्यू BBC चेयरमैन? BBC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, समीर शाह। देखिए इंडिया बोर्न एक मीडिया एग्जीक्यूटिव है जिनका नाम डॉक्टर समीर शाह है। इन्हें यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। ये रिचर्ड शार्प को रिप्लेस कर रहे हैं और इसके अलावा ये CEO एंड ओनर हैं जूनिपर के जो कि एक इंडिपेंडेंट टेलीविज़न एंड रेडियो प्रोडक्शन कंपनी है और साथ ही ये BBC में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं 2007 से 2010 के बीच में। वट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM दैट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? गूगल के नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जेमिनी। देखिए गूगल ने अब तक का अपना लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी। तो ये केवल सिंगल लैंग्वेज मॉडल नहीं है बल्कि 3 लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि जेमिनी नैनो, जेमिनी प्रो एंड जेमिनी अल्ट्रा, सबके अपने अपने यूज़ हैं। और बाकी गूगल बार्ड से तो आप वाकिफ ही हैं, ठीक है, जो कि गूगल के लैम्डा मॉडल से पावर्ड है तो इसी को अपग्रेड करके जेमिनी प्रो बनाया गया है। और इस जेमिनी को बनाने के पीछे हाथ है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो कि गूगल की सब्सिडरी है और डेमिस हैसबिस इसके CEO हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैक द वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सफीना हुसैन। देखिए सफीना हुसैन जो कि एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्हें वाइस प्राइज मिला है जो जिसमें अमाउंट मिलती है $5,00,000 की। इन्होंने 14,00,000 ऐसी गर्ल्स इंडियन विलेज से जो कि स्कूल नहीं जाती हैं उन्हें वापस स्कूल में जो है भेजा है, एजुकेशन की ओर उन्हें जो है फिर से मोड़ा है।
ये प्राइस कतर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और हाल ही में दिया गया 11th एडिशन में किसके वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन जो कि दोहा में हुई है। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन ये दोहा में हुई है, यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB विल प्रोवाइड $200 मिलियन फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट पावर सिस्टम इन्हेंसमेंट इन विच स्टेट। एशियाई विकास बैंक किस राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए $200 मिलियन प्रदान करेगा। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट जो है साइन किया है उत्तराखंड के साथ ताकि यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो सुदृढ़ हो सके। और एक और आप जानिएगा रिन्यू एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है, इसने भी एक MOU साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जिसकी वैल्यू है $5.3 बिलियन की। विच स्टेट इंक्ड अ पैक्ट विथ बिजनेस फिनलैंड टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बिजनेस फिनलैंड के साथ समझौता किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, केरल। देखिए केरल स्टार्टअप मिशन यानी कुसुम, इन्होंने बिजनेस फिनलैंड के साथ एसोसिएट किया है ताकि ये राज्य में जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी अभी जो है जिन्होंने काम शुरू किया है ठीक है तो उन्हें जो है हेल्प मिल सके बिजनेस फिनलैंड का जो एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में जो एक्सपर्टीज़ है उससे। तो जो ये आपका केरल स्टार्टअप मिशन है इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बिजनेस फिनलैंड के साथ जो कि फिनलैंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है टू सपोर्ट एंड मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन बोथ कंट्रीज। SBI विल एक्वायर 1% स्टेक इन SBI पेंशन फंड्स फॉर 230 करोड़ रुपीज। SBI 230 करोड़ रुपए में SBI पेंशन फंड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 20%। आपको जानना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है सेंट्रल बोर्ड की, SBI सेंट्रल बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इन्होंने हाल ही में अप्रूवल दिया है कि SBI PFPL यानी कि SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में जो SBI कैप्स यानी कि SBI कैपिटल मार्केट्स के 20% स्टेक है उसको एक्वायर करेगा। ठीक है, तो कैश डील रहेगी ये और ये रहेगी 229.52 करोड़ रुपये की। आपको बता दें जो SBI कैप्स यानी कि SBI कैपिटल मार्केट ये होली ओन सब्सिडरी है SBI की। इस एक्विजिशन के बाद SBI के 80% स्टेक हो जाएंगे इस SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में और जो बैलेंस है वो किसके पास रहेगा, बाकी का जो बचा हुआ है वो SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के पास जो कि एक जॉइंट वेंचर है SBI और अमुंडी के बीच में। तो तीन तरह की फर्म यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं SBI की। विच बैंक हैज कोलेबरेटेड विद एक्सेंचर टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ सिक्योर एंटरप्राइज डेटा लेक प्लेटफॉर्म। सुरक्षित एंटरप्राइज डेटा लेक प्लेटफॉर्म को विकसित और डिज़ाइन करने के लिए किस बैंक ने एक्सेंचर के साथ सहयोग किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेंचर के साथ कोलेबरेट किया है टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ स्केलेबल एंड सिक्योर एंटरप्राइज डेटा लेक प्लेटफॉर्म विथ एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़। डेटा लेक प्लेटफॉर्म मतलब एक तरह की रिपोजिट्री, डेटा रिपोजिट्री को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। दिस प्रोग्राम वुड बूस्ट द बैंक्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इन्हेंस इट्स एबिलिटी टू ऑफर कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज एंड मैनेज रिस्क। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें MD & CEO ए मनी मेकालाई हैं। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच इंश्योरर हैज अपॉइंटेड राजीव आनंद एज चेयरमैन। किस बीमाकर्ता ने राजीव आनंद को अध्यक्ष नियुक्त किया है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कि एक सब्सिडरी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की, इन्होंने राजीव आनंद को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है क्योंकि इनसे पहले इस पद पर अनिलजीत सिंह थे, उन्होंने चेयरमैनशिप से अपना इस्तीफा दे दिया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें MD & CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। एक और न्यूज़ देख लेते हैं इसी तरह की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ HDFC बैंक, इन्होंने हर्ष कुमार बानवाला को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति दी है 3 साल के लिए। साथ ही वी श्रीनिवासा रंगन इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है 3 साल के लिए और विवेक कुमार गुप्ता इन्हें रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के बोर्ड में
पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स वर रिकॉर्डेड ऑन द यूपीआई प्लेटफॉर्म इन नवंबर? नवंबर में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कितने लेन देन दर्ज किए गए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 11.2 बिलियन। आपको जानना चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 17.40 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन्स, मतलब इतने रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं नवंबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में 17.16 लाख करोड़ की थी, तो उसको भी सरपास कर गया है नवंबर, 17.40 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई हैं। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें, ये जो ट्रांजेक्शन है ये 1.4% हायर है पिछले महीने से और 46% हायर है नवंबर 2022 से, ठीक है, ऐसा डेटा कहता है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराया है। जो ट्रांजेक्शन है इस यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ये 54% से बढ़ी है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, यानी कि नवंबर 2022 से कंपेयर करें, ठीक है, तो अब हो गई है 11.2 बिलियन। इस नवंबर में जो ट्रांजेक्शन है उनकी वैल्यू वो ट्रांजेक्शन कितनी है, 11.2 बिलियन। और जो हम ये देख रहे हैं ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू है, यानी कि रुपये में है कितने हुए हैं, ये है ट्रांजेक्शन की, इतनी ट्रांजेक्शन हुई है। यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है 100 करोड़ ट्रांजेक्शन पर डे का जो मार्क है उसको ब्रीच कर देगा फिस्कल 27 तक, ऐसा पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा है। और ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार जो ई मार्केट है इंडिया में ये 150 बिलियन यूएस डॉलर का बन जाएगा 2026 तक, विद रोबस्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 16%। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सिक्योर्ड द पोजिशन ऑफ वाइस चेयर फॉर द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2023-2025 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप? निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया प्रशांत समूह से 2023-2025 के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान है। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वाइस चेयर यानी कि उप प्रमुख या उपाध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया है, और इस्लामाबाद का जो कैंडिडेट है यानी पाकिस्तान कैंडिडेट को 38 वोट्स मिले, वहीं इंडिया के कैंडिडेट को 18 वोट्स मिले हैं। आपको बता दें यूनेस्को के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स होते हैं, एक तो यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड और इसके अलावा जनरल कॉन्फ्रेंस एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 58 मेंबर स्टेट्स होते हैं, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट करने में इनकी भागीदारी होती है। और ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं यूनेस्को के, ये 6 रीजनल इलेक्टोरल ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है, और इन सभी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वाइस चेयर पर्सन। तो पाकिस्तान को यहाँ पर 2030 से 2025 तक के लिए चुना गया है वाइस चेयर। विच एजेंसी बैक्ड ISSA विजन 0 2023 अवार्ड एट द 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस में किस एजेंसी ने ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ESIC। देखिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC, इसने ISSA विजन 0 2023 अवार्ड प्राप्त किया है हाल ही में कंक्लूडेड 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क में, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। आपको बता दें जो ये ISSA है ये एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि दुनिया भर के जो सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मीटिंग करती हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जिनेवा में। विच इंडियन PSU डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज अकॉर्डिंग टू शिप्री? शिप्री के अनुसार कौन सा भारतीय PSU शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, BHEL। इसका मतलब HAL, BEL एंड MDL ये शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में शामिल हैं। आपको जानना चाहिए कि 2022 में जो 100 लार्जेस्ट आर्मामेंट कंपनीज हैं इनके द्वारा जो आर्म्स एंड मिलिट्री सर्विसेज बेची गई उनकी टोटल वैल्यू 597 बिलियन यूएस डॉलर की रही है। इंडियन डिफेंस PSU जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL और मजगांव डॉक्स यानी कि MDL ये टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में शामिल हैं। इस सूची को डोमिनेट किया गया है US की कंपनीज और चाइनीज कंपनीज द्वारा, और ये लिस्ट तैयार की गई है स्वीडिश थिंक टैंक
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा। एच एल की रैंक यहाँ पर 41st है 3.4 बिलियन US डॉलर के साथ। बी एल की 63rd है 1.9 बिलियन US डॉलर के साथ। एम डी एल की रैंक 89th है 1 बिलियन US डॉलर के साथ। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जो 597 बिलियन US डॉलर है उसमें 1% ही केवल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप सभी जानते हैं हाल ही में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना अप्रूवल दिया है कि 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर हम जो है प्राप्त करेंगे एच ई एल से, जिसमें कि 97 और तेजस मार्क 1A फाइटर्स हैं, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं 84 रशियन ओरिजिन सुखोई 30 Mk 1 फाइटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। टॉप थ्री कंपनीज अगर हम लिस्ट में देखें तो लॉकेट मार्टिन है और रेथियन है और नॉर्थरॉप ग्रूममैन है, तीनों ही यूएसए की हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। माउंट मेरापी वोल्केनो इज इन विच कंट्री? इंडोनेशिया। विच एजेंसी रिलीज अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2027 AICTE? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज? नेपाल। विच स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 24th April 2022 विद एन ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर? सही आंसर अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर। एज पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली विद अ डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 41%। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द एथिक्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? विच कंट्री विल होस्ट यूरो 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट? एसिक्विबो इज एन ऑयल रिच टेरिटरी करंटली कंट्रोल्ड बाय विच कंट्री? जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM लेड बाय लाल दुहमा एन एक्स IPS ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? हु वॉन प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन रिसेंटली कंक्लूडेड IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज दैट इंडिया वॉन बाय 4-1? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको कई बार कहता हूँ कि असाइनमेंट क्वेश्चन से भिड़ जाते हैं ना क्वेश्चन आपके, ठीक है, कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं ना जो उलझाने के लिए बनते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये फोर्थ। तो याद रखिएगा ये CM बने हैं और फॉर्मर PM रही हैं, उनके जो है सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहे हैं। तो बताइएगा मैंने आपको कराया हुआ अभी ये क्वेश्चन। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।